हरि ओम नमः सूर्याय। आज बृहद जातकम जो पाठ्यक्रम निर्धारित है आचार्य कक्षा स्तरीय, वस्तुतः यह फलित ज्योतिष का सर्वोत्तम ग्रंथ है, इसलिए कि आचार्य बाराह मिहिर ने बृहद जातकम के संज्ञाध्याय सदृश बहुत सारे ऐसे अध्याय हैं जिनमें विषयों का मूल रूप से बीज रूप में सारे बहुत प्रमुख विषयों का भी प्रतिपादन किया गया है। इसी क्रम में आज जो आपके सामने मैं आपको बताने जा रहा हूं, पढ़ाने जा रहा हूं, अध्यापन का जो मुख्य प्रतिपाद्य विषय है वो है सातवां, ग्रहों के आपस में मित्र शत्रु सम विचार किस प्रकार के हैं। साथ ही ग्रहों का जो बल विचार है, ग्रहों के जो बल निर्धारण किए जाते हैं वो कैसे होते हैं। मित्रों, आपको बता दें कि इस पाठ में आप सूर्यादि ग्रहों के मित्र ग्रह, शत्रु ग्रह, सम ग्रह और इनके विषय में मतांतर क्या है, साथ ही जो विविध प्रकार के बल प्रतिपादित हैं जिनकी मुख्य भूमिका में मित्र शत्रु सम आदि भी हैं, इनका विशेष रूप से व्याख्यान दिया जाएगा। देखिए, लोक व्यवहार में भी अपने अपने जिस प्रकार से हमारे आपके मित्र शत्रु सम होते हैं, उसी प्रकार से ग्रहों के भी होते हैं। क्योंकि ग्रहों को प्रतिनिधित्व रूप में स्वीकार करके हमारे ऋषियों ने इनमें वह गुण निर्धारित किया गया है कि अमुक ग्रह का मित्र है, अमुक ग्रह का शत्रु है और अमुक ग्रह को सम मानता है। इस प्रकार से जैसे हम लोक में मानते हैं हमारा कोई मित्र होता है, हमारा कोई शत्रु होता है, हमारा कोई सम भी होता है जो न तो मित्र की श्रेणी में आता है न ही शत्रु की श्रेणी में आता है। इसी तरह नैसर्गिक ग्रहजन्य स्वभाव एक दूसरे के समान होने की स्थिति में ही मित्रता होती है और जब असमान हो जाता है तो शत्रुता हो जाती है और जब उदासीनता होती है वैसी स्थिति को सम की संज्ञा आचार्यों ने दी है। द्वादश भावस्थ स्थानों के द्वारा भी ग्रहों के तत्कालिक मित्र शत्रु सम आदि का विचार किया जाता है। वो तत्कालिक मित्र होते हैं, तत्कालिक शत्रु भी हो सकते हैं। अब ऐसी इस प्रकार की स्थिति में पंचधा मैत्री का पांच प्रकार से विचार किया जाता है, जिसमें अतिमित्र, मित्र, सम, शत्रु, अतिशत्रु आदि को की प्रमुखता दी गई है। इस प्रकार से इन पांच प्रकार के मित्रा मित्र द्वारा ही किसी भी स्पष्ट भाव का फल कथन किया जाता है कि अमुक ग्रह किस ग्रह का मित्र है, किस ग्रह का सम है, किस ग्रह का शत्रु है। मित्रों, इन ग्रहों के शुभाशुभ फलों की मात्रा परिज्ञान हेतु विशेषतः ग्रहों के बलों का आनियन बड़ी प्रमुख है। जब तक बल का ज्ञान नहीं होगा तब तक वह ग्रह हमें क्या फल देगा, कितना देगा, किस प्रकार से देगा, इसका हम परिज्ञान नहीं कर सकते। अतः इसके लिए छह प्रकार के बलों को, जिसमें दृष्टि बल, स्थान बल, नैसर्गिक बल, चेष्टा बल, दिशा एवं काल बल का निरूपण किया गया है। अब इस प्रकार से शुभाशुभ फलों को आप इस पाठ के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। आइए उद्देश्यों की परिचर्चा करते हैं। इस पाठ को पढ़ने से क्या होगा कि आप सूर्यादि ग्रहों के मित्र सम शत्रु के जो विषय हैं उनसे परिचित हो सकेंगे। जो आचार्य अर्थात जवनाचार्य प्रभृति आचार्यों ने जो मित्र सम शत्रु के बारे में कुछ वैशिष्ट बताया है उनका आसानी से ज्ञान कर सकेंगे। तात्कालिक मित्र शत्रु सम आदि का विचार कैसे किया जाता है, जो वर्तमान स्थिति में होता है, भाव के आधार पर होता है, उनका ज्ञान आसानी से कर लेंगे। साथ ही जो ग्रहों के शुभाशुभ प्रभाव ज्ञान हेतु छह प्रकार के बलों का निर्धारण हमारे शास्त्र में किया गया है उसका भी ज्ञान आसानी से आप कर लेंगे। इस प्रकार से आप ग्रह बल का निरूपण कर लेंगे, साथ ही जो नैसर्गिक इनके गुण हैं मित्र सम शत्रु आदि के उनका भी ज्ञान आपको हो जाएगा। अब आइए आपको ग्रह मैत्री के विचार में बताएं। देखिए, अष्टक वर्ग में, दशा में, गोचर आदि में ग्रह नैसर्गिक संबंधों के द्वारा ही फल कथन की एक प्राचीन परंपरा है। जैसे किसी ग्रह की महादशा में उसके शत्रु ग्रह की अंतरदशा चल रही हो तो यह दशा अच्छी नहीं मानी जाती। जिस प्रकार महादशा का कारक जो ग्रह है उसके मित्र की ग्रह की अंतरदशा आ गई, प्रत्यंतर आ गई, सूक्ष्म आ गई या प्राण दशा आ गई, निश्चित रूप से वह ग्रह प्रबल होकर के तद्भाव जन्य फल की प्रबलता को अर्थात शुभता को प्रदर्शित करता है।
क्यों? कि दोनों स्थितियां ग्रहों पे आधारित होती हैं और ग्रह का संबंध बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अब यदि जौनाचार्य के मत में ग्रहों का मित्र शत्रु सम आदि विचार देखें तो यहां पर देखें जौनाचार्य के मत में ग्रहों के केवल मित्र एवं शत्रु ही होते हैं, सम नहीं होते। जैसा कि लिखा गया है, आप देखें जीवो जीव बुधौ सुतेंदु तनयौ व्यर्का विभौ महक्रमात् बिन्द्वर्का विकुजेन्द्विनाश्च सुहृदः केषाञ्चिदेवं मतम्। केषाञ्चित् जनानाम् एव मतम्, ऐसा आचार्य कहते हैं वराहमिहिर। और बृहस्पति को और बुध को, शुक्र बुध को, सूर्य को, मंगल आदि ग्रहों को बताना चाह रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से कि कौन इनके मित्र होते हैं, कौन इनके सम होते हैं और कौन इनके शत्रु होते हैं। तो इसका ज्ञान इस पाठ में आप आसानी से कर सकते हैं। मित्रों, सूर्य के मित्र बृहस्पति, चंद्र के बुध और गुरु, मंगल के बुध और शुक्र, बुध के सूर्य को छोड़कर शेष सभी ग्रह, बृहस्पति के मंगल को छोड़कर शेष ग्रह, इसी प्रकार शुक्र के सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर बाकी ग्रह हो, और शनि के सूर्य चंद्र और मंगल को छोड़कर शेष सभी ग्रह, ये क्या होते हैं? आपस में मित्र होते हैं। इनसे जो भिन्न संबंध है, इनसे अतिरिक्त जो हैं तत्तद् ग्रहों के, वो इनके शत्रु होते हैं। इस प्रकार के केवल दो प्रकार की परिमाण की चर्चा आचार्य जौनाचार्य करते हैं, मित्र का और शत्रु का। आगे आप देखें जौनाचार्यों के मत में ग्रहों का जो मित्र चक्र है वो किस प्रकार का है, ये चक्र से परिलक्षित हो रहा है। इस आलेख के माध्यम से, टेबल के माध्यम से आप आसानी से, सरलता से इस विषय को समझ सकते हैं। आइए अब सत्याचार्य के मत में ग्रहों का मित्र शत्रु सम विचार करते हैं। आचार्य इसमें कहते हैं, देखिए क्या वराहमिहिर ने लिखा है कि सत्योक्ते सुहृदस्त्रिकोण भवनात् स्वान्त्यंत धर्मपः स्वच्छायुः सुखपः स्वलक्षण विधेः नान्यैर् विरोधादिति। आचार्य ने यहाँ पे क्या कहा, इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं अन्वय। इसमें आचार्य कहते हैं क्या कि ग्रहों के अपने मूल त्रिकोण राशि से दूसरी, चौथी, पांचवीं, आठवीं, नौवीं और सोच राशि के स्वामी ग्रह क्या होते हैं? आपस में मित्र होते हैं। और शेष स्थान के जो स्वामी ग्रह होते हैं वो क्या होते हैं? शत्रु कहलाते हैं। इस प्रकार जो नहीं यहां पे कहे गए हैं, अर्थात जो मित्र शत्रु सम के अतिरिक्त हैं, इन दोनों स्थानों में राशि होने पर ये क्या होते हैं? मित्र शत्रु के अतिरिक्त उदासीन हो जाते हैं, यही वस्तुतः सम कहलाते हैं। आगे आचार्य कहते हैं कि द्वेका नुक्त भपान सुहृत समरिपु संचित्य नैसर्गिकान का संबंध इस श्लोक के साथ भी अन्वित होता है। इस प्रकार से देखें, आप देखें क्या सत्याचार्य द्वारा प्रतिपादित भारतीय विधि होने के कारण इसी को ग्रहों में मित्रा मित्र सम हेतु समझना चाहिए, न कि जमुनाचार्य के द्वारा प्रतिपादित विधि। आज भी गुरु परंपरा में सत्याचार्य के मत को ही लेकर के हम बहुत प्रकार से गणना की परंपरा भी प्राप्त करते हैं। जैसा कि उदाहरण में आप देखें, जैसे सूर्य का हमें मित्र ग्रह, शत्रु ग्रह एवं उदासीन ग्रह ज्ञात करना है, तो सर्वप्रथम हम सूर्य की मूल त्रिकोण राशि देखेंगे जो कि सिंह होती है। अब इस सिंह राशि से दूसरी, चौथी, पांचवीं, आठवीं, नौवीं, बारहवीं जो है उच्च राशि का परिज्ञान करेंगे। सिंह से दूसरी राशि कन्या, चौथी राशि वृश्चिक, पांचवी राशि धनु, आठवीं राशि मीन तथा नौवीं राशि मेष, बारहवीं राशि कर्क तथा सूर्य की उच्च राशि मेष है। यहाँ पर उक्त स्थान में गुरु द्विराशिपति धनु मीन का है, मंगल भी द्विराशिपति होने के कारण सूर्य का मित्र ग्रह सिद्ध हो रहा है। इस प्रकार चंद्रादि ग्रहों के, जैसे देखें आप टेबल में, इस आलेख में आपको प्रत्यक्ष दिखाया गया है कि सूर्य की मूलत त्रिकोण राशि सिंह से उक्त स्थान में मित्र ग्रह कैसे हो सकते हैं। देखें, इससे स्पष्टतया आप परिज्ञान कर सकते हैं कि किस प्रकार से सूर्य की मूल त्रिकोण राशि से तीसरे, छठवें, सातवें, दसवें, ग्यारहवें स्थान के स्वामी ग्रह कैसे शत्रु कहला रहे हैं। साथ ही सिंह से तीसरी राशि तुला है, छठवीं मकर है, सातवीं कुंभ है, दसवीं वृष है तथा ग्यारहवीं राशि मिथुन सिद्ध होती है। अतः यहाँ पर अनुक्त स्थान में शुक्र द्विराशिपति होने के कारण भी यहाँ पे इसका फल विद्यमान आपके समक्ष है, इसका ज्ञान आसानी से कर सकते हैं। अब देखें आप, दूसरा चक्र है कि सूर्य की मूल त्रिकोण राशि सिंह से अनुक्त स्थान के शत्रु ग्रह कैसे हो रहे हैं।
इस टेबल के माध्यम से आपके समक्ष सिखाया गया है और इससे आप आसानी से सरलता से इस विषय का ज्ञान कर सकते हैं। आगे यदि हम विचार करते हैं मित्रों, देखें सूर्य की मूलत त्रिकोण राशि जो सिंह है उससे उक्तानुक्त स्थान से अर्थात जो न उक्त है न अनुक्त है अर्थात उदासीन स्थिति में समग्रह कैसे होते हैं, यहाँ पे दिखाया गया है कि किस प्रकार से अनुक्त स्थान उक्त स्थान के द्वारा स्वामी ग्रहों का निर्धारण किया गया। मित्रों एक बड़ी अच्छी परंपरा है, सुदृढ़ परंपरा है सूर्य आदि ग्रहों के मित्र शत्रु सम विचार का। वस्तुतः यह बहुत सारे फलित के ग्रंथों में मिलता है। ये श्लोक यहाँ उद्धृत किया गया है। आप देखें आचार्य बराह मिहिर कितना अच्छा छंद में इस बात को कहते हैं कि शत्रु मंद सितौ समश्च ससिजो मित्राणि से सारवे हे सी तीक्षणांशु हिमरस निजस्त सुहृदौ चेसा समाह सीतगो हो जीवेन दुष्ण करह कुजस्य सुहृदो ग्योरि सितार्की समौ मित्री सूर्य सितौ बुधस्य हिमगुः शत्रु समश्चापरे सूरेहे सौम्य सीतावरी रविसुतो मध्योपरे त्वन्यथा सौम्यार्की सुहृदौ समौ कुजगुरु शुक्रस्य शेषावरी शुक्रज्ञौ सुहृदौ समः सुरगुरुः सौरस्य चान्येरयो ये प्रोक्ताः स्वत्रिकोण भवभादिषु पुनस्तेमि मया कर्तितः। ये स्पष्ट परिज्ञान है इसमें, इसकी व्याख्या आप देखें तो बड़ा ही सरल ढंग से आचार्य ने किया है जिसमें मित्र को भी बताया है शत्रु को भी बताया है और सम कौन होता है इनको भी करके बताया है। इस प्रकार से चक्र देखें आगे सत्याचार्य के मत में ग्रहों का मित्र जो है वो शत्रु और सम चक्र किस प्रकार से हो सकता है। इसके अतिरिक्त जो प्रामाणिक परंपरा है जो आज भी उसमें देखें आप सूर्य के कौन कौन मित्र हैं, चंद्रमा के कौन मित्र हैं, बुध के कौन मित्र हैं, गुरु शुक्र शनि तथा इनके परस्पर शत्रु कौन हैं, और इस प्रकार से आचार्य ने यहाँ पे इन जो हमारे मित्र सम शत्रु आदि बल कहे गए हैं इन्हीं के आदेश पर इन्हीं के स्थितियों को देख करके फलादेश की परंपरा भी बनती है। और आचार्य ने सूर्यादि शनि पर्यंत जो ग्रह हैं इनके मित्र सम शत्रु स्थिति बता दिया है जिसका परिज्ञान करके हम लोग आसानी से सरलता से इसका फलादेश में सदुपयोग कर सकते हैं। जय तो भारतम, जय तो संस्कृतम।